नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आप पाएंगे आयुर्वेद का स्वाद मिठास के साथ। लड्डूवाला के स्टॉल पर आयुर्वेद से निर्मित 16 तरह के लड्डू, जो स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ध्यान। आयुर्वेद का स्वाद मिठास के साथ। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में जहां तरह तरह के हर्बल उत्पाद देखने को मिल रहे हैं, वहीं एक स्टॉल ऐसा भी है जो मिठाई का है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या ख़ास बात है। इसमें ख़ास बात यह है कि आयुर्वेद का स्वाद मिठास के साथ। हम खड़े हुए हैं लड्डू वाला के स्टॉल पर और हमारे साथ इसकी अधिक जानकारी हम सीधे उज्जैन साहब से ही लेंगे, जो इसके ऑनर हैं। जैन साहब, आपके इसमें खास बात क्या है लड्डू वाला में? देखिए, लड्डू वाला की खास ये बात जो आपकी टैगलाइन है आयुर्वेद का स्वाद मिठास के साथ जी, इसको थोड़ा समझाएं जी। हमारा मानना यह है कि आज की डेट में लोगों का आयुर्वेद की तरफ झुकाव थोड़ा कम है, तो उस झुकाव को बढ़ाने के लिए, यूथ को आगे लाने के लिए हम कहते हैं कि आप वो मिठाइयाँ खाइए जो मीठा करने के साथ साथ आपका मुंह भी तो मीठा करेंगी, साथ में आपको जो है शरीर को भी फ़ायदा करें। स्वीट्स विद मेडिसिन एंड लव, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का स्वाद मिठास के साथ, जैसा आपने बताया। और हम जो लड्डुओं के रेंज लेके आए हैं उनके अंदर हम लेके आए कच्चे आंवले का लड्डू, पान का लड्डू जिसमें स्वर्ण भस्म होती है, कच्चा आंवला जो लोग नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते, लेकिन आंवले का लड्डू बड़े चाव से खाते हैं, स्किन के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सौंठ के लड्डू हैं, मेथी के लड्डू हैं, हम प्योर बादाम का लड्डू लेके आए हैं। कल्पनाज रेसिपी के नाम से, कल्पना इज़ माई मदर, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, 2019, उनकी याद में हमने ये काम शुरू किया है। और हमने जो लड्डुओं की रेंज बनाई है, ये हमने कॉम्बिनेशन स्वीट बनाया है। कितने तरह के लड्डू बना रहे हैं सर? हम करीब 16 किस्म के लड्डू बना रहे हैं, सब में आयुर्वेद से संबंधित। जी हाँ, सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित हम काम करेंगे। हेल्थ बेनिफिट श्रुति, ये वाइफ मेरी वाइफ हैं और ये एंटरप्रेन्योर हैं इस पूरे बिजनेस की। आप बताएं इसमें आपको किस तरह से, क्या मतलब इसका प्रोत्साहन कैसे मिला कि ये काम करना चाहिए, लोगों में मिठास तो बढ़ाई जाए लेकिन स्वास्थ्य के साथ। हमारे घर में यूं ही बातें हो रही थी, हमने बात की कि अगर इस चीज़ को मार्केट में लाया जाए, चूँकि इस चीज़ से लोग पूरी तरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो इससे उनको हेल्थ प्रॉफिट भी मिलेगा और हमारा स्वाद जो है आगे की जनरेशन तक पहुंचेगा। ये जो कला है लड्डू बनाने की, सौंठ के लड्डू पहले माताएं बहनें बनाती थी, अब नहीं बनता है घरों में, तो हमने कहा इस कला को हम आगे लेके आए। मुनाफा हमारा उद्देश्य नहीं है, सेवा उद्देश्य है। और आयुर्वेद भोपाल में कहाँ, ये मेले के अलावा, इसके अलावा कहाँ ये अगर कोई देखना चाहे लेना चाहे? जी हम शाहपुरा सी सेक्टर में रहते हैं, घर से ही काम करते हैं, हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं। अच्छा। और साथ में हमारी कोशिश ये है कि अगर भोपाल के लोगों का प्यार मिलेगा तो शायद हम कोई एक आउटलेट खोल पाए। मुनाफा उद्देश्य नहीं, मैं फिर कहूँगा आयुर्वेद से जुड़ें, आगे बढ़ें। हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी सोने की चिड़िया है, बस हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आयुर्वेद इतने अपने पैर फैला चुका है कि अब मिठाई में भी आयुर्वेद है। और जैन साहब के लड्डू वाला, जहाँ 16 तरह के लड्डू जो सब आयुर्वेद और स्वास्थ्य की दृष्टि से, जहाँ मिठाई आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए कई जगह हानिकारक हो जाती है, लेकिन जैन साहब की मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि लाभदायक सिद्ध होगी। खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।